श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि साल 2023 में रक्षाबंधन या राखी कब मनाई जाएगी, राखी बांधने का शुभ समय भद्रा काल कब से कब तक, और जानेंगे कि भद्रा काल में रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाना चाहिए इसके बारे में। शास्त्रों के अनुसार साल 2023 में रक्षाबंधन का त्यौहार 30 अगस्त बुधवार और 31 अगस्त गुरुवार को मनाया जाएगा, यानी कि इस साल रक्षाबंधन का पर्व 2 दिन मनेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त बुधवार के सुबह 10:58 से शुरू होकर 31 अगस्त गुरुवार की सुबह 7:05 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन मनाने के लिए दोपहर का समय अधिक उपयुक्त माना गया है, लेकिन दोपहर में भद्रा हो तो फिर प्रदोष काल में राखी बांधना शुभ होता है। साल 2023 में 30 अगस्त को भद्रा शाम से लेकर रात तक रहेगी, ऐसे में 30 और 31 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व कभी भी भद्रा काल में नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है। लंकापति रावण को उसकी बहन ने भद्रा काल में राखी बांधी थी, जिस कारण प्रभु राम के हाथों रावण का वध हुआ था। इसलिए भद्रा काल में रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भद्रा काल देखा जाता है। साल 2023 में रक्षाबंधन का पर्व 30 और 31 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 30 अगस्त प्रातःकाल 10:58 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 31 अगस्त प्रातःकाल 7:05 पर। प्रदोष काल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त होगा 30 अगस्त रात्रि के 9:01 के बाद। भद्रा समाप्त होने का समय होगा रात्रि 9:01 के बाद। भद्रा पूंछ का समय होगा सायंकाल 5:30 से 6:31 तक। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आने पर मेरे चैनल इंडियन एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जितना ज्यादा हो लाइक और शेयर कर ले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।